हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में दोस्तों इस लाइव स्ट्रीम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट अ मिनट ओके ओके गाइस तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो अपने आप में एक प्रभाव है उसका नाम है अति संयुग्मन प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हैडिंग लगाइए सभी बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन अर्थात अति संयुग्मन अति संयुग्मन हाइपर कंजुगेशन हाइपर हाइपर कंजुगेशन ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि रेजोनेंस जिस बच्चे ने रेजोनेंस को अच्छे से सीखा है उसको ये इफेक्ट बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ में आ जाता है परंतु पैटर्न थोड़ा सा रेजोनेंस से अलग है इसीलिए इसको अपन लोग एक और अन्य नाम से जानते हैं जो कि है नो बॉन्ड रेजोनेंस अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं बट आप सबसे पहले इसका नाम सुने इसको अपन बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस अर्थात अन आबंद अन आबंद अनुनाद के नाम से भी इसको अपन जानते हैं ठीक है नो बॉन्ड रेजोनेंस अन आबंद अनुनाद, स्टार्ट करते हैं वेरी गुड आफ्टरनूल ऑफ यू सभी नमस्कार राम राम का सलाम वालेकुम विच एवर यू फील कनेक्टेड विद लेट्स गेट स्टार्टेड ये जो टॉपिक है जिसका नाम है अति स दूसरा नाम अन आबध अनुराध इसमें किन किन को अपन लेते हैं क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक को ईजिली समझ पाएंगे जैसे ये कहाँ कहाँ पर वैलिड है किन किन पैटर्न में अपन को इसको स्टडी करना है सबसे पहले वो बताता हूँ मैं आपको ये लग सकता है कार्ब धनायन में कार्ब धनायन जैसे कि सी एच थ्री सी एच टू प्लस इसके अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ये लग सकता है मुक्त मूलक में मुक्त मूलक जैसे कि सी एच थ्री सी एच टू का डॉट आप इस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ये आपका लग सकता है डबल बॉन्ड में अर्थात एल्कीन में सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी टू आप इस तरह के एग्जाम्पल में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये कार्ब ऋणायन में भी लगता है बट याद रखें कार्ब ऋणायन में ये एक्सेप्शन के रूप में ही लगता है हर कार्ब ऋणायन में ये अप्लाई नहीं होता है तो कार्ब ऋणायन वाले टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे से बस ये तीन में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है इसके अंदर आपको एक्सेप्शन के रूप में इसका अध्ययन करना है तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप एग्जाम्पल लिख दीजिए कि कार्ब धनायन में ये वैलिड रहेगा मुक्त मूलक में ये काम कर सकता है एल्कीन में भी ये काम कर सकता है बस जो कार्बनायन है उसमें हमेशा नहीं लगेगा कुछ स्पेशल केसेस में लगेगा जो मैं आपको बताऊंगा आगे सुनिएगा अब एक एक करके शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया सी एच थ्री सी एच टू प्लस का तो खोल के लिख रहा हूं सी एच थ्री पड़ोस में सी एच टू प्लस अब सबसे पहली बात तो सुनो ध्यान से कि ये ये जो है है ना ये CH2 लुका है, गरीब है क्यों ये गरीब क्यों है क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन भी दूसरा ले गया वापस से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन भी दूसरा ले गया तभी इसके ऊपर प्लस आया इसका खुद का इलेक्ट्रॉन भी कोई भगा के ले गया तभी इसके ऊपर प्लस आया तो इसके पास जो पी ऑर्बिटल है मतलब जो पी कक्षक है, वो पूरी तरह से क्या है खाली है तभी हमारा ये कार्बन क्या है गरीब है तो होता क्या है समझना यहाँ पे जो सिग्मा बंद आपको दिख रहा है आप जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर एकल बंद है तो एकल बंद हमेशा सिग्मा होता है ठीक बात तो ये जो सिग्मा बंद है ये सिग्मा बंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं उसके अंदर जाते हैं तो आप इस बात पे गौर फरमाएं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहे हैं तो उससे क्या फायदा हो रहा है CH2 का जो प्लस है उस प्लस में कमी आ रही है वो जो गरीब है इलेक्ट्रॉन के आने से उसकी गरीबी मिट रही है और इसी को अपन कहते हैं अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कंजुगेशन इसको कहा जाता है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जा रहा है तो ये सिग्मा पी कहलाएगा कि सिग्मा से पी की तरफ इलेक्ट्रॉनों के युग्म का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है सिग्मा से पी की तरफ जो है इलेक्ट्रॉनों के युग्म का ट्रांसफ़र हो रहा है तो सिग्मा बंद सिग्मा बंद और ये जो पाई का तंत्र है नेटवर्क है इनके बीच में आपस में जो क्रिया है उसे अपन किसका नाम देते हैं अति संयुग्मन का नाम देते हैं तो कमौन धीरे धीरे सीख जाओगे डरने की जरूरत नहीं है बस सबसे पहले मेरी बात सुनो कि यहाँ पे इस सी एस टू प्लस की गरीबी मिटाने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से जाना सिग्मा बंद और पाई तंत्र के बीच में क्रिया का होना अंतर क्रिया का होना इंटर कनेक्शन का होना इंट्रैक्शन का होना वो क्या कहलाता है अति संयुगमन अर्थात हाइपर कॉन्जुकेशन के नाम से जाना जाता है ये मोटी मोटी बात समझ ली अब ये जो है ना इसको देख के नाइनटी जनसंख्या दुखी रहती है।, ये 99 दुखी देता है आपको इस तरह से समझना तो अब उस सिंपल अप्रोच समझाता हूं जो सबको समझ में आती है एक्चुअल में CH3 इस तरह से है पड़ोस में कौन है CH2 एच टू प्लस अब यहाँ पे सिंपल भाषा में समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एल्फा कार्बन का कॉन्सेप्ट लिखे कमेंट सेक्शन में नाम लिख के ही याद होता है कमेंट सेक्शन में लिखो एल्फा कार्बन जो मेजोरिटी ग्रुप है जो ताकतवर ग्रुप है या जहाँ से भी आप रेफरेंस ले रहे हो उसके जस्ट पास वाला आपका एल्फा होता है फिर से यहाँ पे जो ये प्लस आपको दिख रहा है बहुत अच्छे आदर्श मिश्रा यहाँ जो प्लस आपको दिख रहा है इस प्लस के यहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो इसके जस्ट पास वाला ये जो कार्बन है इस कार्बन का नाम होगा एल्फा कार्बन कमॉन ये जो प्लस है इसके जस्ट पास वाला ये जो कार्बन है इस कार्बन का नाम क्या होगा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से संबंधित जो हाइड्रोजन होती है उसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोजन तो ये ये जो एक, दो और तीन आपको दिख रही हैं तीन क्या है अल्फा हाइड्रोजन है तो सबसे पहले तो ये समझे कि अल्फा कार्बन क्या होता है जो ये आप प्लस देख रहे हैं इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है उसे हम लोग अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं मोटी मोटी बात दूसरी वो जो अल्फा कार्बन है था दिख था दिख था दिख उससे जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं वो सारे आपके कहलाएंगे हाइड्रोजन वो सारे आपके कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन क्लियर तक आगे देखो अब होगा क्या ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको एक हाइड्रोजन का है एक कार्बन का है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो इधर जा कर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ इसी को मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ पे आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा पाई में तो सिग्मा बंद और पाई तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद की स्थिति क्या होगी देखना ये जो कार्बन है इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन आगे रख देगा ये कार्बन तो बिल्कुल ही लुखा गरीब है इसके पास कुछ नहीं है तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रख दिया परंतु बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन को भी अपने इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो इसके बाद जो स्थिति बनेगी देखना सी सी एच टू दो हाइड्रोजन को ऐसे कैसा बना रहा हूं यहां पे कांड नहीं हो रहा इधर हो रहा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के यहां पे मैंने बना दिया इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के यहां पे आने से इधर आपका बॉन्ड बन जाएगा एक बात पे विशेष गौर फरमाए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएंगे तो इस कार्बन की गरीबी मिट जाएगी परंतु हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो आपके हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो ये है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अति संयुग्मित संरचना ये क्या है अति संयुग्मित संरचना थोड़ी हिंदी भारी पड़ती है हाइपर कॉन्जेटिंग स्ट्रक्चर है सिंपल भाषा में ओके okay? अब ऐसा तो है नहीं कि ये हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर सकता ये भाई साहब भी कर सकते हैं तो इसके कितने सारे बन सकते हैं देखना एक ही हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो गायब हो जाए गायब मतलब कहीं निकल के जाएगी नहीं रहेगी वहीं पे यहाँ पे बॉन्ड बना दिया ये बॉन्ड किसने बनाया इस हाइड्रोजन ने तो ये आपके प्लस के फॉर्मेट में रह गई यहाँ पे आपके हाइड्रोजन ऐसी की ऐसी है तो ये हो गया दूसरा अति सयुग्म संरचना तीसरी तीसरी में क्या होगा ध्यान से कॉल फॉर्म आइएगा यह हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं इसमें कोई चेंज नहीं सामने डबल बॉन्ड बन गया किससे बनवाया सामने का डबल बाउंड बनवाया इस हाइड्रोजन ने तो इसको आप H+ प्लस की फॉर्म में अलग कर दो तो ये आपकी हो गई तीसरी अति संयुग्मित संरचना तो एक ये हो गई दूसरी वाली रही तीसरी वाली रही एक चीज नोट करिए आपने जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी ही बनती है अति संघयुग में संरचना तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ही बनेगी आप देख लो तीन असयुग में संरचना बनी एक और बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि किसी के भी स्थायित्व की बात होती है कि कौन कितना टिकाऊ है कौन कितना स्थायी है तो स्थायित्व समानुपाती होता है स्थायित्व स्थायित्व समानुपाती होता है हाइड्रोजन की संख्या के स्थायित्व तो जो है वो समानुपाती होता है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के और एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या की बात करें अपन इस केस में तो सिंपलीफाई करता हूं और ज्यादा अति सयुग्मित संरचनाओं के एक्चुअल तो लॉजिक ये है अति सयुग्मित संरचनाओं के जितनी ज्यादा अति सयुग्मित संरचनाएं होंगी उतना स्थायित्व तो होगा और एक और बात देखो अब मोटी मोटी बात अति में संरचनाएं अर्थात एल्फा हाइड्रोजन क्योंकि तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी ही अति सहयुग्म संरचनाएं है बनती हैं तो इस तरह से इनके बीच में आप इंटर कनेक्शन को पकड़ सकते हैं बढ़िया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये मैंने आपको समझाया कि, कि किस प्रकार से आपके कार्बोकेटाइन के अंदर आपको देखने को मिलता है अति सयुग्मन प्रभाव चलो अब मैं आपको कंपेयर करवाता हूँ आप मुझे बताना दोनों में से कौन ज्यादा स्थाई है मैं दो संरचनाएं आपके सामने बना रहा हूं आप मुझे कमेंट करके बताओ कि दोनों में से ज्यादा स्थाई कौन सा है ठीक है एक है आपका एक है आपका सी एच थ्री प्लस एक है सी एच थ्री सी एच टू प्लस एक है तीसरा यहाँ बनाता हूँ सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री इनको कंपेयर करके बताओ कौन ज़्यादा स्थाई है ऑर्डर लिखना है आपको इसको नंबर वन दे रहा हूं मैं इसको टू दे रहा हूँ थ्री दे रहा हूँ आपको बताना है कौन ज़्यादा स्थाई है आपको घटते हुए क्रम में बताना है स्थायित्व का क्रम बताना है इन सब के बीच में सबसे ज्यादा स्थाई को पहले लिखना है उससे कम को बाद में और सबसे कम स्थाई को सबसे बाद में लिखना है फटाफट से चेक करके बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थाई कौन है देखो सबसे पहली बात ये जो कार्बन प्लस है ये आगे किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब इसके पास है जीरो अल्फा हाइड्रोजन कितनी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास जीरो अल्फा हाइड्रोजन इसकी बात करें ये जो कार्बन प्लस है वो आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इस कार्बन के पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है तीन अल्फा हाइड्रोजन ये जो कार्बन है इस कार्बन से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है ये कार्बन और ये कार्बन तो ये भी अल्फा हो गया ये भी अल्फा हो गया तीन हाइड्रोजन यहाँ से आ गई तीन हाइड्रोजन यहां से आ गई अर्थात छह अल्फा हाइड्रोजन तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती हैं हैं उतनी ही ही में संरचनाएं बनती और उतना ज़्यादा आपको स्थायित्व तो देखने को मिलता है तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन ज़्यादा होगा क्लियर तो जो बच्चे कह रहे थे जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन तीन सबसे ज्यादा स्थायी उससे कम दो उससे कम एक तो ये स्थायित्व का एकदम सिंपल सोबर क्रम है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बढ़िया चलो अब देखते हैं सेकंड वर्जन मुक्त मूलक की अति सयुग्म में संरचनाएं है जो हैं आप मुक्त मूलक में किस प्रकार से चेक कर सकते हो लेट्स सी अब थोड़ा थोड़ा आपको हाइपर कॉन्जुकेशन समझ में भी आ रहा होगा और इसका यूज़ क्या है वो स्थायित्व तो देखने में सबसे ज्यादा काम आता है और इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं इसको अन आबंद अनुनाद क्यों बोलते हैं क्योंकि है तो ये अनुनाद की तरह बस इसमें बंद जो है वो नहीं बनता है आपने देखा एच प्लस जो है वो अलग हो गया था अलग होके कहीं गया नहीं था बट अलग तो हो गया था तो बंद नहीं बना रहा था वो इसलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब जहां पे बंद नहीं बन रहा है उस प्रकार का अनुनाद चलिए इसके साथ खेलते हैं CH3 CH2 का डॉट गौर फरमाइएगा CH3 CH2 का डॉट अब इसकी स्थिति को मैं दोनों तरह से क्लियर करूंगा ऐसे भी और ऐसे भी अभी ये प्लस था प्लस का मतलब पता है बिल्कुल ही गरीब और अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये है थोड़ा गरीब उतना गरीब नहीं है बट थोड़ा सा गरीब है क्योंकि इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका अष्टक पूरा नहीं है सही है तो अष्टक पूरा करने की इच्छा है इसकी कि कोई और इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए इसके साथ बंद बना ले और मामला सेट हो जाए तो इधर से वही सेम कॉन्सेप्ट होगा अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं तो इसकी जो थोड़ी सी गरीबी है वो मिट सकती है आपको अच्छे से पता है मुक्त तो मूलक वो होते हैं जिनके पास बस अपना इलेक्ट्रॉन होता है सात इलेक्ट्रॉन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप बात कर रहे हो सी डॉट की मैंने आपको अच्छे से दो तीन क्लास में बताया है। सी एस तो ये, तो ये मॉडल तो आपको समझ में आ गया होगा इधर देखो होगा ये कि यहां जो दो इलेक्ट्रॉन है पहले वाले केस में दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे आना पड़ा क्यों आना पड़ा क्योंकि ये बिल्कुल गरीब था कुछ नहीं था इसके पास बट इस बार इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा ये इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन के पास चला जाएगा तो थोड़ी देर में स्थिति किस प्रकार की बनेगी ध्यान से देखिएगा पहली अति में संरचना में आपके सामने बना रहा हूँ पहली अति में संरचना में चीजें किस प्रकार से चलेंगी देखो ये सी एस टू है यहां डबल बॉन्ड बन चुका है इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थी जो बॉन्डेड है तीसरी वाली ने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के वो साइड में बैठ गई है तो ये हाइड्रोजन का मुक्त मूलक बन चुका है हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये यह आपके सामने है पहली अति सुग संरचना बस इसमें और पहले वाले केस में क्या फर्क था दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहे थे क्योंकि बिल्कुल सामने वाला गरीब था इस बार सामने वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन है इस बार सामने वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा ये अपना एक रख देगा बस कार्बन ने क्या किया जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाने के लिए प्रयुक्त किया था इलेक्ट्रॉन को वो अब उसने सामने वाले कार्बन के रख दिया जिससे उसकी जो हाइड्रोजन है वो अलग हो गई अलग होके जाएगी कहीं नहीं घूमेगी वहीं पे ठीक है आगे बात करें इसका दूसरी अति सयुग में संजना कैसी बन सकती है ये वाला हाइड्रोजन पिक्चर में आ जाए तो ये वाला हाइड्रोजन पिक्चर में आएगा तो बॉन्ड ऐसे कैसा रहेगा यहाँ वाले हाइड्रोजन ने अपना बलिदान दिया तो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड तो ये हो गई आपके सामने दूसरी अति सहयुग में संरचना अब इसी में अगर कोई आपको बोले तीसरी अति सहयुग्म में संरचना बताइए तो तीसरी अति सहयोग में संरचना में क्या होगा C डबल बॉन्ड सी टू ऊपर H नीचे H यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये आपकी हो गई तीसरी अति सहयुग्म संरचना तो यहाँ पे भी आप देखें जितने अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे डॉट होता है अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे जो आपका ग्रुप जहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है उससे संबंधित अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई उससे संबंधित अल्फा हाइड्रोजन की गिनती तीन है तो तीन आपके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो तीन अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से तीन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे शॉर्ट में उसको ऐसे बोल सकते हो पहला ये रहा दूसरा ये रहा तीसरा ये रहा तो डॉट के साथ में आपके किस प्रकार से अनुनाद किस प्रकार से अन अनुनाद होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है अब डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड के साथ में ठीक है अब डबल बॉन्ड के साथ में अपन इस बात को डिस्कस करते हैं ध्यान से देखिएगा अब सबसे पहले तो यह समझना है कि डबल बॉन्ड के साथ में सबसे पहले यह समझना है कि डबल बॉन्ड के साथ में किस प्रकार से कॉन्सेप्ट चलेगा देखिए CH3, थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अभी तक की कहानी में इतना समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन ढूंढनी पड़ती है और कौन सी वाली हाइड्रोजन ढूंढनी पड़ती है अल्फा हाइड्रोजन तो सबसे पहले अपनी तलाश जारी करें अल्फा हाइड्रोजन की ठीक है तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पे जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है उसको आप एक बार पैक कर लीजिए यह आपका डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है तो यह आपका रेफरेंस हो गया अब इसके पास वाला जो कार्बन है यह होगा अल्फा कार्बन देखो दिमाग लगाना जरूरी है कि अल्फा कार्बन का मतलब क्या है अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है जैसे आप कहीं पे भी कार्बोकेटाइन देख रहे हो तो उसके जस्ट पास वाला कार्बन जो है वो अल्फा है कहीं पे आप सी टू का डॉट देख रहे हो तो उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा है बट कहीं पे डबल बॉन्ड देख रहे हो तो जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उस पर गोला बनाओ अब उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे ही कहीं पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो तो इसको रेफरेंस लेंगे तो ये वाला जो कार्बन है वो आपका बनेगा एल्फा कार्बन हाइड्रोजन का पकड़ना आसान है जो कार्बन एल्फा कार्बन है उससे एसोसिएटेड उससे जुड़ी हुई उससे चिपकी हुई हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन होती है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है और उसको कैसे देखा जाता है अब मैं आपको जरा समझाऊं बॉन्ड के बारे में ठीक है बॉन्ड के बारे में समझेंगे कि बॉन्ड किस प्रकार चलता है देखिए यहां जो स्थिति बन रही है CH डबल बॉन्ड सी एच टू पड़ोस में सी एच 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 अब यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाएं कि किस्सा किस प्रकार का होगा ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करें ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो अगर ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहे ये सिग्मा यहां जाके पाई में कन्वर्ट होना चाहे तो जिंदगी एक ही कार्बन की बर्बाद होगी वो है ये वाला कार्बन तो अगर ऐसा होता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके बाद कहानी कैसे बनेगी पहली अतिशा युग में संरचना में आपके सामने रखने जा रहा हूं यहाँ पे सी यहाँ पे एच और एच के बीच में कोई तनाव नहीं दोनों अपने घर में खुश हैं ये बॉन्ड जैसे ही यहां पे शिफ्ट होगा यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड पड़ोस में आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी एस टू पे आ जाएगा माइनस हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस तो ये पहली अति सहयुग्मी संरचना है आपकी नजरों के सामने और ये संरचना कौन सी वाली है ये संरचना है जो अपन ने डबल बॉन्ड से बनाई है इसी से बनेगी दूसरी संरचना दूसरी संरचना में दूसरा एल्फा हाइड्रोजन पिक्चर में आएगी ये वाली कौन से वो रहेगा ये कार्बन है इस को कोई नुकसान नहीं इसको कोई नुकसान नहीं इसने अपने इलेक्ट्रॉन देकर के खुद को प्लस बनाया उन दोनों इलेक्ट्रॉनों से यहाँ पे बॉन्ड बना है पड़ोस वाले कार्बन को शिफ्ट करना पड़ा क्यों शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उसके पांच बॉन्ड हो जाते आराम से नोट करते चलो ताकि आपको कोई टेंशन नहीं हो चलिए अब आगे और डिस्कस करते हैं अपन इस चीज को तीसरा वाला बनाते हैं अगर तीसरा वाले को बनाया जाए तो तीसरा वाला कैसे बन सकता है इस वाली हाइड्रोजन को ले लो आप तो यहाँ पर हो जाएगा ये दो हाइड्रोजन ए के की ऐसी बीच में आ जाएगा सी एस सिंगल बॉन्ड सी एस टू पर आ जाएगा माइनस तो ये तीन आपके सामने बन गई बस यहाँ पे एच प्लस को लिखना ना भूलें तो तीन एल्फा हाइड्रोजन थी तो तीन अति स युग्म संरचनाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी क्योंकि अल्फा कार्बन तो एक था बट तीन एल्फा हाइड्रोजन उससे जुड़ी हुई थी आराम से इसको नोट करो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए आपको बताना है कि चारों में से कौन ज्यादा स्थाई है चलो अब आप बताना कौन सा ज्यादा स्थाई है दिख रहा है बोर्ड पे यहां पे सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री एच सी एच थ्री सेकेंड सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री एच एच C डबल बॉन्ड C सी एच थ्री एच 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 नामकरण संस्कार कर देता हूँ इसको एक बोल देते हैं इसको दो इसको तीन इसको चार आपको बताना है इनके अंदर से सबसे ज़्यादा स्थाई कौन है लेट्स डू इट ये आपने कॉपी कर लिया होगा इसको गायब कर देते हैं मेरे हिसाब से काम बहुत आसान है अगर आप अल्फा हाइड्रोजन की गिनती कर लो जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्थाई माना जाएगा जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्थाई माना जाएगा लगाओ दिमाग चलो शुरू करें बढ़िया स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले को देखते हैं सबसे पहले तो डबल बॉन्ड के ऊपर गोला बना लो क्योंकि आपको अल्फा हाइड्रोजन के लिए रेफरेंस चाहिए तो ये भी अल्फा कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन मजा आ गया चार अल्फा कार्बन है तो बारह होंगी अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे बारह अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में देखें तो उसके गोला बना लीजिए ये आपके पास तीन ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन ढूंढना मैंने आपको सिखा दिया है बच्चों डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जो कार्बन कनेक्टेड है वो आपका अल्फा कार्बन होता है बस दिमाग लगा लिया करो तो यहाँ पे इधर कितने हो गए तीन, तीन 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 तो यहाँ पे नौ आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है इधर देखें तो दो अल्फा कार्बन है छह है आपके पास अल्फा हाइड्रोजन इधर देखें तो डबल बॉन्ड के हिसाब से एक कार्बन आपका अल्फा कार्बन है और तीन है अल्फा हाइड्रोजन हां जी ठीक है तो उसके हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा स्थाई कौन सा हो गया एक उससे कम स्थाई दो उससे कम स्थाई तीन उससे कम स्थाई चार। तो ये कहानी है यहां तक क्लियर है सभी को चलो बढ़िया अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट डालते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये काफी बच्चों का सही राय जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में देख सकता हूं बढ़िया अब एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं उसको करके आपको बताना है कि उसमें कौन सा स्थाई होगा सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री C डबल बॉन्ड C, सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड C, सी एच थ्री सी एच थ्री एच एच इसको बोल दीजिए वन इसको टू इसको थ्री अब आपको बताना है इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थाई कौन है अति संयुग्मन के आधार पर आपको अभी तक जो तरीका मैंने बताया है पता लगाने का वो तरीका तो एकदम सिंपल है उसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन की गिनती करनी है अल्फा हाइड्रोजन की गिनती करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा स्थाई है अब इसके अंदर भी जरा वही अप्रोच फॉलो करिए और अल्फा हाइड्रोजन की गिनती करके पता लगाइए जरा कि कौन ज्यादा इसके अंदर स्थाई इस आपको मिल रहा है जस्ट डू इट अब इसमें थोड़ी कहानी फंसेगी आपकी क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड पे गोला बना लें तो ये दो अल्फा कार्बन है इसमें भी छः अल्फा हाइड्रोजन है इसमें डबल बॉन्ड के गोला बनाए दो कार्बन कनेक्टेड है अल्फ़ा कार्बन उन पर हाइड्रोजन छः अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर भी और ज़रा यहाँ गौर फरमाएं तो यहाँ भी छः अल्फा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के हिसाब से फिर यह फ़र्क किसका है तो ये तीनों बराबर तो स्थाई हो नहीं सकते गलत बात बराबर स्थाई नहीं है ऑल आर नॉट इक्वल हंड्रेड परसेंट ऑल आर नॉट इक्वल ये तो फिक्स है अब इसमें फर्क क्या है इसमें फर्क है बच्चों आप लोगों ने शायद इलेवेंथ क्लास में स्टडी किया हो अगर नहीं किया कोई बात नहीं दो जब पास पास होते हैं ना तो वो होते हैं सिस संपक्ष कहते हैं उनको दो ग्रुप जब पास पास होते हैं तो वो होते हैं सिस संपक्ष और जब दो ग्रुप विपरीत होते हैं तो वो होते हैं विपक्ष ट्रांस बोलते हैं इंग्लिश में तो ये है सिस और ये है ट्रांस एक और बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब स्पेस में बड़े बड़े लोग आपने सामने आते हैं बड़े बड़े ग्रुप पास में आते हैं तो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे को प्रतिकर्षण करके परेशान करते हैं जब एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी के सामने आएगा तो अपने अपने ईगो के कारण एक दूसरे को परेशान करेगा बिल्कुल वैसे ही अगर एक बड़ा ग्रुप दूसरे बड़े ग्रुप के सामने पास आ जाता है तो फिर वो एक दूसरे को क्या करते हैं परेशान करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सबसे पहला तो ध्यान देना है सबसे पहला ध्यान देना है अल्फा हाइड्रोजन की गिनती पर जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्थाई होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन बराबर आती है तो फिर आपको देखना है कि सिस है या ट्रांस है अगर ट्रांस है तो वो ज़्यादा स्थाई होगा सिस से रीज़न अभी अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो रीज़न ये है कि यहाँ पे दो बड़े बड़े ग्रुप पास में आ गए ज़्यादा प्रतिकर्षण कर रहे हैं यहाँ दो बड़े बड़े ग्रुप दूर दूर हैं तो कम प्रतिकर्षण करेंगे तो इसका मतलब अगर मैं थर्ड वाले को और सेकेंड वाले को कंपेयर करूँ तो थर्ड वाला ज़्यादा स्थाई है सेकेंड वाले से पक्की बात थर्ड वाला ज्यादा स्थाई है सेकंड वाले से ये क्लियर हो गया सिस ट्रांस का चक्कर क्लियर हो गया अब इसमें देखा जाए तो इसके अंदर भी सिस ही है ये भी क्या है सिस है अब दिमाग के लगाना है कि इसका नंबर कहां आएगा ये इन दोनों से ज्यादा स्थाई होगा या इन दोनों से कम स्थाई होगा फिर से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए सीक्वेंस में समझा रहा हूं सबसे पहले देखना है अल्फा हाइड्रोजन को अगर अल्फा हाइड्रोजन की गिनती ज्यादा है वापस से अगर अल्फा हाइड्रोजन की गिनती ज्यादा है तो आप स्थाई बोल देंगे अगर अल्फा हाइड्रोजन की गिनती बराबर है फिर से अगर अल्फा हाइड्रोजन की गिनती बराबर है तो ऐसे केस में आप सिस और ट्रांस चेक करेंगे अगर ट्रांस है तो वो सिस से ज्यादा स्थाई होगा अब यहां पे वन सबसे पीछे आना चाहिए बट अफसोस वन सबसे ज्यादा स्थाई है मतलब ये भाई साहब इससे भी ज्यादा स्थाई है फरक क्या है फर्क यह है कि यहां पे अलग अलग कार्बन के ऊपर अलग अलग ग्रुप के लगने से सिस बन रहा है। यहाँ एक ही कार्बन पे दोनों से तो ट्रांस ज्यादा स्थायी होता है सिस से अगर इसके बाद एक और पॉइंट भी अगर आप देख रहे हैं एक ही कार्बन के ऊपर दोनों कनेक्टेड है तो यह ज्यादा स्टेबल होगा अब ऐसा क्यों वन थ्री से भी ज़्यादा स्टेबल है ऐसा क्यों यहाँ पे ये क्यों हुआ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा चिंता नहीं है बट सबसे पहले आप इस बात को समझो कि मैंने इन दोनों को किस पैरामीटर पे जज किया मैंने इन दोनों को इस पैरामीटर पे जज किया फिर से मैंने इन दोनों को इस पैरामीटर पे जज किया कि ये ट्रांस है या सिस है अगर ये ट्रांस है इसका मतलब यह व्यवस्था ही होगा इससे फिर मैं इन दोनों को जज कर रहा था या इन दोनों को भी जज करूंगा तो ये देखूंगा कि सिर्फ दोनों कार्बन सेम पे हैं या अलग अलग पे हैं अलग अलग वाला तो ऑब्वियसली बात है इससे कमज़ोर रहेगा क्यों बता दिया मैंने आपको प्रतिकर्षण परंतु ये सेम वाला इससे आगे क्यों निकल रहा है वो मैं आपको अब समझाता हूँ यहाँ तक का देख लिया कोई दिक्कत नहीं है आगे बात करते हैं अब अगर स्टार्ट करें इसको समझना तो दोनों के मैं बनाता हूँ आपके सामने स्ट्रक्चर सी एच टू ये सी एच टू है ना सी एच टू डबल बॉन्ड सी ऊपर सी एच थ्री पड़ोस में सी एच थ्री इधर देखें तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी पड़ोस में सी एच थ्री पड़ोस में एच ये वाली कहानी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे और अगर और सिंपल करूँ तो इन एच को मैं यहाँ साथ में बना सकता हूँ कोई समस्या नहीं है अब मैंने ये फर्स्ट वाला लिया है और ये थर्ड वाला लिया है इन दोनों से मैं आपको समझाता हूँ अब अगर आप स्टार्ट करें तो ये रहा आपका डबल बॉन्ड ये रही आपकी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी तो अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से ज़रा ध्यान दीजिएगा अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से ज़रा यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इधर बॉन्ड बनवाएगी और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कहानी किस प्रकार की बनेगी सी एच टू पर माइनस आएगा ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा ऊपर एक बॉन्ड डबल बन जाएगा यहाँ पर और एक एच प्लस लुखा घूमता रहेगा बाहर तो वापस से देखो यहाँ पे ये यह अल्फा आप सीख गयो ना तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड यहाँ बनाएगी तो ये आगे शिफ्ट कर जाएगा तो सी एच टू पर हो जाएगा माइनस सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल की जगह उधर आ जाएगा डबल बॉन्ड ऊपर एच प्लस घूमता रहेगा अगर इसके हिसाब से बनाए मतलब इसका अगर अति संयुग्मित बनाए तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया इसके पास में आपका कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा यहां बॉन्ड बनेगा तो स्थिति कैसी बनेगी सी एच टू यहां एच प्लस यहां बन गया डबल बॉन्ड सी आगे का बॉन्ड हो गया सिंगल इस पे आ जाएगा माइनस तो ये कहानी कुछ इस तरह की यहाँ पे बनेगी पक्की बात अब जरा गौर फरमाए इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप पता है क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है मतलब ये दिखाता है माइनस आई प्रभाव और यहाँ पे जो कार्बन पे माइनस है ये जो सी थ्री है ये इलेक्ट्रॉन देता है मतलब ये दिखाता है प्लस आई प्रभाव आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा इसलिए वापस से एक बार समझाऊंगा चीज को यहां पे इसका और इसका कंपटीशन चल रहा था इन दोनों में मैंने कहा ये जीतेगा क्यों जीतेगा मैंने इसको पकड़ा इसका अति संयुग्मित उत्पाद बनाया इसको पकड़ा इसका भी अति संयुग्मन बनाया उसके बाद ये बात समझ में आई यहाँ पे जिस कार्बन में माइनस कैसे बनाया मैंने देखो वापस यहाँ पे जो अल्फाइड्रोजन है उस एल्फाइड्रोजन ने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया ये पड़ोस में शिफ्ट हो गया ऐसा अपन कर चुके हैं डबल वन में आपको सिखा चुका हूँ इस वाले कैटेगरी में आपको याद है चीजें किस प्रकार चलती हैं यहाँ पे ऐसा होता है ये सी एच टू एच ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है फिर ये इसके ऊपर शिफ्ट होता है यही सेम चीज़ यहाँ हुई है और ऐसे यहाँ पे हो गई इसने एच दिया अल्फा हाइड्रोजन ही अपना एच इलेक्ट्रॉन देता है तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए एच अलग हो गया वो इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बन गया इसके पाँच बॉन्ड बन गए थे इसने आगे शिफ्ट कर दिया अब ये सीखने को मिला कि जिस कार्बन पे नेगेटिव आया है उसको ये सी एच थ्री और इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई प्रभाव जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे माइनस आई प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है तो इस सी एच टू से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश हो रही है यहां पे, और इस सी एच को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश हो रही है यहां पे, वापस से कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये पता होना चाहिए यहाँ पे ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं माइनस आई प्रभाव दिखा रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको क्योंकि सी एस थ्री का प्लस आई प्रभाव होता है आपको पता होना चाहिए माइनस किसी के ऊपर भी कोई भी आवेश है उसको अगर आप बढ़ाओगे तो वो अस्थाई होगा कम करोगे तो वो स्थाई होगा तो यहाँ पे इस माइनस को इसके पास से खींच करके ये स्थाई है और यहां पर सीएससी और माइनस उसको दे रहा है जिससे इसके माइनस में और बढ़ोतरी होगी मतलब ये आपका अस्थाई है दोनों के कंपैरिजन में इसीलिए मैं कह रहा था कि एक ज्यादा स्थाई है सबसे ज्यादा स्थाई एक ही है एक और तीन को मैंने कंपेयर करके बताया आपको इस लॉजिक से और तीन और दो को आप कंपेयर करोगे समपक्ष और विपक्ष के लॉजिक से अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी बताओ यहाँ तक तो क्लियर है बस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात याद रखें कि आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व तो भी स्थायित्व तो कम होगा और आवेश कम होगा तो स्थायित्व तो बढ़ेगा यहाँ पे इन बाईस पे माइनस था सी एस थ्री का प्लस आई प्रभाव के कारण और माइनस बढ़ता स्थायित्व तो घटता यहाँ पे इस माइनस को खींच करके ये बंदा इसके माइनस को कम कर रहा था मतलब इसके स्थायित्व तो को बढ़ा रहा था तो यहाँ से चीजें अपन को क्लियर होती हैं ये था आपका ये था आपका अति संयुगमन प्रभाव जो आने वाले टॉपिक्स में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करोगे जब दो या दो से ज़्यादा उत्पाद आपको बनाने होंगे चुना होगा कौन ज़्यादा स्थायित है तो आप यहाँ से देख के चीज़ों को समझ पाओगे क्लियर सभी को बहुत अच्छे इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं अगर वीडियो हम आपने यहाँ तक देखा है आपको बढ़िया लगा है समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा नए हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को क्योंकि इस तरह के वीडियो डेली आते रहते हैं नीचे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है एप्लीकेशन का लिंक आपके पास आएगा एप्लीकेशन में आपको जाना है लॉगिन एज़ ए स्टूडेंट करना स्टोर टैप पे आपको लिंक मिल जाएगा लॉगिन एज ए स्टूडेंट करते ही आपको वहाँ पे ट्वेल्थ का कॉम्बो दिखेगा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपके लिए है उसको आप परचेज करके अपनी पढ़ाई को रफ्तार दे सकते हैं सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर डी नोटिफिकेशन मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बाय जय हिंद